बेसिकली आपको पता है कि मुंबई के नज़दीक होने के कारण नवी मुंबई, और यहाँ से काफ़ी सारे नेशनल हाईवेज नवी मुंबई क्रॉस करके जाते हैं, तो यहाँ पे फ्लाईओवर की संख्या काफ़ी मात्रा में है। तो ये फ्लाईओवर के नीचे लोग एक तो कड़ा कुछ कचरा फेंकते हैं, कूड़ा फेंकते हैं, एक तो ये कंप्लेंट हमारे पास बार बार आती थी, या दूसरी कंप्लेंट वहाँ पे बेगर्स बैठते हैं और गंदगी करते हैं, ये दूसरी कंप्लेंट आती थी, या तीसरा कोई इंक्रोच कर रहे हैं। तो ये सब पे जालिम उपाय हमने ऐसे निकाला है कि ये सब जो हमारे अर्बन स्पेसेस की जगह है उसको अच्छी तरह से यूटिलाइज करने की कोशिश की है। तो उसके हमने सोचते हुए तो ऐसे भी नज़र आए कि कुछ हमारे एरियाज ऐसे जहाँ बच्चों को खेलने लायक सुविधा भी ज़्यादा उपलब्ध नहीं है, तो इनको सबको मिला के हमने एक विन विन सिचुएशन क्रिएट किया और सानपाड़ा ब्रिज के नीचे जो हमारी अनयूटिलाइज स्पेसेस थी उसको ब्यूटीफाई किया। हमने वहाँ पे स्पोर्ट्स एरिया बनाए, जैसे स्केटिंग रिंग बनाया, बैडमिंटन का कोर्ट बनाया, बास्केटबॉल का नेट लगाया और उसको फेंसिंग किया। तो अभी वहाँ पे बच्चों की क्यू लग जाती है, इतना हमको उसको रिस्पॉन्स मिला है। मुझे लगता है एक तो इसकी वजह से बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ अर्बन स्पेसेस हो गया, दूसरा इंक्रोचमेंट से ये जगह बच गई, तीसरा गंदगी होने से ये बच गया, और सबसे मुझे लगता है कि बच्चों को खेलने की एक और एक सुविधा मिल गई। तो हमारा ये प्लान काफ़ी हद तक जिस तरह से लोगों का रिस्पांस मिल रहा है तो मुझे लग रहा है हमारा प्लान काफ़ी हद तक सक्सेसफुल नहीं, अभी हमारे पास फी लेने का तो कोई हमारे ध्यान में अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इसको अच्छा रिस्पांस मिलने की वजह से काफ़ी सारे एरिया से जहाँ पे फ्लाईओवर है वहाँ से डिमांड आ रही है कि वहाँ पे ऐसे कुछ स्पोर्ट्स डेवलप किया जाए। तो उसके बारे में हम सोचेंगे क्या कर सकते हैं, या वहाँ जो स्पोर्ट्स है उसके अलावा और कुछ अलग तरीके के खेल हम इनक्रेज कर सकते हैं।